हाँ भाई, तो थंबनेल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है भाई। पोको अभी इतना नहीं बिगड़ा है कि दूसरे ब्रांड के फोन्स अपने नाम से बेचने लग जाए। पोको अभी भाई शाओमी के फोन ही रिब्रांड करने वाला है। लेकिन थंबनेल के ऊपर जो मैंने लिखा है भाई, मोटो एज एस इज इक्वल्स टू पोको एफ टू, उसका कहने का मतलब ये भाई कि पोको एफ टू का वेट हम काफी टाइम से कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोको एफ वन जो लॉन्च हुआ था, एक आइकनिक डिवाइस था भाई। पोको एफ वन में आपको फ्लैगशिप चिपसेट मिलता था, स्नैपड्रैगन 845 वाला, बहुत बढ़िया डिस्प्ले, बहुत बढ़िया कैमरा, प्राइस पॉइंट उसका काफी तगड़ा रखा गया था। और पोको F1 के लॉन्च होने के थोड़े टाइम के बाद से ही भाई, जब से पोको इंडिपेंडेंट ब्रांड बना है, तभी से हम बोल रहे हैं भाई कि पोको F2 हमको कब देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी वही है कि भाई एक फ्लैगशिप चिपसेट मिले, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन मिले और एक अच्छा प्राइस पॉइंट मिले, ताकि भाई हम लोग भी जो मिड रेंज वाले फोन यूज करते हैं वो भी फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ले पाए। यही कारण था भाई कि पोको F1 की बिक्री इतनी ज्यादा हुई थी। अब भाई पोको F2 को लेकर तो बहुत सारी इधर उधर की खबरें आ रही है। कभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 732G के साथ में आएगा, कभी सुनने में आ रहा है कि भाई 870 के साथ में आएगा, पता नहीं किसके साथ में आने वाला है। लेकिन पोको F1 ने जो मार्केट बनाया था भाई, मोटो के पास में बहुत तगड़ा चांस है इंडिया में अपनी रेपुटेशन को वापस गैदर करने का। क्योंकि अगर मोटो एज एस मोटोरोला इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च कर देता है, डेफिनेटली ये फोन इंडिया में काफी ज्यादा बिकने वाला है। क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस जो है वो भाई फ्लैगशिप फोन्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, बजट उतना नहीं होता है हमारा, 15-20 हज़ार के अगर आसपास बजट रहता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करते हैं तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमको मिल जाती है, लेकिन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। लेकिन मोटो एज एस एक ऐसा फोन है, फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में आता है, तगड़ा कैमरा आपको मिलता है, सारी चीजें मिलती है। स्पेसिफिकेशंस की बात तो खैर अपन कर चुके हैं, ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, वहां से जाकर के आप देख सकते हो अगर इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप जानना चाहते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ अंदर की बातें करने वाले हैं कि क्यों ये फोन एक ट्रू मिड रेंज किलर फोन है, एक ट्रू 5G फोन है। बहुत सारी चीजें ऐसी है भाई जो इस फोन को पोको F1 जैसी पॉपुलैरिटी दिला सकती है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है भाई। ये है एक्सा का हेडफोन, नाम है इसका E900 और ये मेरे करियर की पहली रिव्यू यूनिट है। बहुत जल्दी इसका वीडियो आपको चैनल पर मिलने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। डेफिनेटली इसका मैं गिव अवे तो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भाई पहली रिव्यू यूनिट है, दिल के बहुत करीब है, इसको तो मैं अपने पास में ही रखने वाला हूं। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो ऐसे बहुत सारे रिव्यू यूनिट मेरे पास में आएंगे और उन सभी का मैं गिव अवे करता रहूंगा। सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 300 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। पोको F1 जो था वो क्यों पॉपुलर हुआ था? क्योंकि वहां पर आपको फ्लैगशिप चिपसेट दिया गया था। इस फोन के साथ में आपको दिया गया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट। 870 जो चिपसेट है, 865 प्लस का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, मतलब 865 प्लस जो पिछले साल का फ्लैगशिप चिपसेट था उससे भी बेटर परफॉर्मेंस यहां पर आपको निकल के आएगी। 5G कैपेबिलिटीज यहां पर आपको मिल जाती है, परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ी मिलेगी, मतलब बहुत तगड़ी मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो भाई यहाँ पर जो चिपसेट दिया गया है, वैसे भी हम इंडियंस जो है ना भाई, आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि फोन्स के अंदर कौन सा चिपसेट लगाया गया है। अब वो जमाने चले गए भाई कि जब आपको जो सेलर था वो फोन के स्पेसिफिकेशन बता के बेच देता था कि ये कैमरा है, ये डिस्प्ले है, फलाना ढिमका, प्रोसेसर के बारे में बात ही नहीं करती थी। लेकिन आज की तारीख में हम प्रोसेसर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कौन सा चिपसेट दिया गया है, उसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो यहाँ पर चिपसेट के मामले में तो भाई मोटोरोला की तरफ से अच्छा काम किया ही किया गया है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि केवल 870 का नाम दिया है, यहाँ पर चिपसेट के साथ में आपको जो और एडिशनल चीजें मिलती है ना भाई, वहां पर भी मोटोरोला ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। LPDDR5 RAM यहाँ पर आपको मिलती है, मतलब एक 22,000 रुपए के फोन में, ये वाला जो फोन है चाइना में 22,000 रुपए में लॉन्च हुआ है। इंडिया जब आएगा भाई, GST का माल मसाला, कस्टम का माल मसाला, जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं सब अगर उस पर डाल भी दिए जाते हैं, मेरे हिसाब से 25,000 के आसपास ये फोन इंडिया में आ सकता है बेस वेरिएंट। और अगर 25,000 के आसपास भी आ जाता है भाई, तो LPDDR5 RAM वहां पर आपको मिलती है। मतलब ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो आपको 25,000 के अंदर मिलता हो स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ में, साथ ही में आपको LPDDR5 RAM भी दे दे और UFS 3.1 वाली स्टोरेज भी यहाँ पर आपको मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 870 का नाम है, ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको तगड़ी मिलेगी, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलेगी।
अगर इसके पहले बात करें जो 5G चिपसेट, 5G फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में कोई फोन आता है भाई, तो आई थिंक iQOO 3 है जो 865 प्लस के साथ में आता है और सबसे सस्ता फोन है इंडिया के अंदर। Realme का X50 Pro आपको मिलता है, फिर Mi 10 सीरीज आ जाती है, Mi 10T सीरीज आ जाती है, तो वहां पर आपको 865 प्लस वाला चिपसेट मिलता है, लेकिन वो सारे फोन्स 30,000 से ऊपर ही हैं। iQOO पे अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगा लेते हो तो जैसे तैसे वो 29,000 के आसपास आ जाता है, लेकिन भाई सारे फोन्स आपको 30,000 के ऊपर मिलते हैं। ये एकमात्र ऐसा फोन हो सकता है जो 25,000 के अंदर आपको मिले, उन फोन से आपको बेटर परफॉर्मेंस दे, 5G कैपेबिलिटीज दे, साथ ही में किसी भी टाइप की कॉम्प्रोमाइज आपको ना करना पड़े परफॉर्मेंस में। 870 वाला चिपसेट, LPDDR5 RAM, साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज, परफॉर्मेंस के मामले में भाई ये जो फोन है एक नया माइलस्टोन बना सकता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस आपको काफी तगड़ी मिल सकती है। दूसरी चीज जो मेरे को यहां पर लगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला जो फोन है एक ट्रू 5G फोन है भाई। अब ट्रू 5G फोन मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, ट्रू 5G फोन से मेरा मतलब ये है कि इस फोन को आप भाई किसी भी कंट्री में ले जाओ, वहां के 5G बैंड को ये फोन सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यहां पर आपको 12 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, 12 बैंड्स का सपोर्ट है। अभी इंडिया में खैर 5G आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा अगर आपके पास में ये वाला फोन रहता है, तो भाई अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है तो उन 12 में से कोई बैंड आपको इंडिया में सपोर्ट ना मिले, ऐसा बहुत कम चांस है। मतलब इस फोन का सपोर्ट आपको इंडिया में डेफिनेट मिलेगा, 5G नेटवर्क को आप डेफिनेटली एंजॉय कर पाएंगे। अब मैं दूसरे फोन्स की कहानी बताता हूं भाई आपको क्या है। यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि 12 बैंड्स यहां पर आपको मिलते हैं। अब बात करो आप Realme V15 जो इंडिया में X7 बन के आ सकता है, वहां पर आपको मात्र 4 बैंड का सपोर्ट दिया गया है। 4 बैंड्स आपको मिलते हैं, N1 वाला, N41 वाला, N77 वाला, N78 वाला, मात्र 4 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Mi 10i की बात कर लो, Mi 10i 5G फोन है और इंडिया का चीपेस्ट 5G फोन Xiaomi उसको बोलता है, 2 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है भाई, केवल N77 N78 केवल 2 बैंड्स का सपोर्ट है। Realme X50 Pro की अगर बात करें तो 4 बैंड्स का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन Moto Edge S जो है यहाँ पर आपको 12 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। मतलब 5G कैपेबिलिटीज में आपको कोई कमी नहीं आने वाली है, किसी भी टाइप का बैंड इंडिया में सपोर्ट करे भाई इस फोन में आपको 5G के मजे मिल जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भाई बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी इस पर नजर पड़ी तो मैं सोचा भाई इस चीज को लेकर के वीडियो बना दिया जाए, आप लोगों को भी पता पड़े कि यार क्या 5G के नाम से, केवल 5G के नाम से फोन से बेचे जा रहे हैं। एक दो बैंड का सपोर्ट दे दिया, 4 बैंड का सपोर्ट दे दिया और भाई रोल आउट कर दिया उसको। वैसे भी ब्रांड्स को पता है भाई कि इंडिया में अभी 5G कम से कम 6 महीने, जैसा आपको पता है एयरटेल ने टेस्ट तो चालू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगता भाई कि 6-8 महीने के पहले भाई अपने लिए जो कॉमन पीपल है उनके लिए रोल आउट हो पाएगा 5G नेटवर्क। और वैसे भी अभी एयरटेल का कुछ गवर्नमेंट से बैंड्स को लेकर के दिक्कत चल रही है। एयरटेल ने जो लॉन्च किया है, जो टेस्ट किया है, लॉन्च नहीं किया है, जो टेस्ट किया है वो 1.8 GHz बैंड पर टेस्ट किया है और गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि 3.3 से 3.6 GHz वाला बैंड अलॉट किया जाए, ताकि और ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। तो अभी भाई इंडिया में 5G टेस्टिंग फेज में है, ब्रांड्स को ये चीज पता है और ब्रांड्स एक दो बैंड्स के सपोर्ट के साथ में भाई फोन को इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, 5G फोन बोल देते हैं एंड आप परचेस कर लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं भाई मेरे पास 5G फोन है। इन केस ऐसा होता है जैसा Mi 10i है, केवल 2 बैंड का सपोर्ट है, अब वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है कि हो सकता है इंडिया में इन 2 बैंड का आपको सपोर्ट ना मिले, तो भाई आपके फोन में आप 5G एंजॉय नहीं कर पाओगे भले ही से आपके इसमें 5G मॉडल मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Moto Edge S जो है यहाँ पर आपको 12 बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, जो कि मेरे को काफी अच्छी बात लगी है। इसके बाद देखो भाई 90 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिया है, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पर AMOLED दिया जा सकता था, सुपर AMOLED दिया जा सकता था। डेफिनेटली सुपर AMOLED पैनल एक अच्छा पैनल होता है, AMOLED पैनल एक अच्छा पैनल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि IPS LCD पैनल खराब पैनल है। इस चीज की मिथ को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि IPS LCD पैनल भी भाई अच्छे पैनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि खराब पैनल है। IPS LCD पैनल यहाँ पर लगाया गया है भाई, कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी ना। आपको पोको F1 में भी IPS LCD मिलता था, वहां पर हमने शिकायत नहीं करी। प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पर आपको मिलती है, प्लास्टिक बिल्ड पोको F1 में भी मिलती थी। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है तो थोड़ी बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, और बिल्ड क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि भाई बैक कवर तो सभी लोग लगा के रखते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। फिर डिस्प्ले की अगर बात कर लें तो जैसा मैंने बोला कि सुपर AMOLED अच्छा होता है, डेफिनेटली अच्छा होता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि IPS LCD खराब है। हायर रिफ्रेश रेट के साथ में आपको मिलता है,
मेरे हिसाब से डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, डिस्प्ले में भी यहाँ पर मोटो ने अच्छा काम किया है। हाँ, अगर यहाँ पर आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट मिलता तो फिर कहीं ना कहीं अपन बोल सकते थे कि यार मोटो ने थोड़ा सा ज्यादा ही चिंदी चोरी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मोटो की तरफ से बहुत अच्छा काम किया भाई डिस्प्ले के मामले में भी। कैमराज भी मेरे हिसाब से डिसेंट है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, उसी के अलावा देखें तो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड दिया है, 2 का डेप्थ सेंसर है और टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर दिया गया है, TOF सेंसर, जो कि बहुत कम फोन्स में मिलता है इस प्राइस पॉइंट पर। कैमरा सेटअप अच्छा है, 6K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, काम नहीं आने वाला है 6K, लेकिन कर तो सकते हो भाई, ऑप्शन तो आपको दिया है, 6K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, अच्छी बात है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करते हैं, 16+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है, सेल्फी में भी अल्ट्रा वाइड दिया है भाई। अगर दो करना होता तो भाई एक कैमरा डेप्थ सेंसर दिया जा सकता था केवल नाम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया है, जो कि भाई अच्छा कैमरा सेटअप बनाता है ओवरऑल। बैटरी अच्छी दी गई है 5000 mAh की, 20 वाट की चार्जिंग दी गई है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक चार्जिंग है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है, 30 वाट के आसपास की मिल जाती है ना भाई, मजा आ जाता, क्या कहने रहते फिर तो, लेकिन फिर भी भाई काम चला सकते हो, मतलब एकदम ऐसा डील ब्रेकर नहीं है कि यार 20 वाट का चार्जर है तो इस फोन को नहीं लेना चाहिए। फास्ट चार्जिंग तो मिल ही रही है, उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है जितनी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मिल तो रही है। मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन सारे अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, और प्राइस पॉइंट भी जो है वो काफी अच्छा रखा गया भाई, मेरे हिसाब से तो प्राइस पॉइंट काफी अच्छा है, अगर इंडिया में 25,000 के आसपास भी आ जाता है ना भाई, धमाल मचा देगा फोन, डेफिनेटली धमाल मचा देगा भाई, ये मेरा गारंटी है कि इस फोन को बहुत सारे लोग परचेस कर लेंगे अगर मोटोरोला इस फोन को जल्दी से जल्दी इंडिया में लॉन्च कर देता है। अब भाई ये फोन इंडिया में कब आने वाला है, इस चीज को लेकर तो कोई मोटोरोला की तरफ से वर्ड्स नहीं है कि ये फोन इंडिया में कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उस बहुत जल्दी को बहुत बहुत जल्दी मोटोरोला को कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू वापस से बनानी है, क्योंकि पोको F2 की भी रिपोर्ट आ रही है, और अगर पोको F2 ने मोटोरोला एज एस से कम प्राइस में फोन लॉन्च कर दिया या इक्वल प्राइस में भी लॉन्च कर दिया ना भाई, तो मोटोरोला फिर एक बार फिर मात खा जाएगा। तो इस हिसाब से मोटो को फटाफट करना चाहिए इस फोन को इंडिया में लॉन्च, और मैं तो बोलता हूँ भाई ट्विटर पर ट्वीट करना चालू कर देते हैं अपन भी मोटोरोला को कि हाँ भाई इस फोन को फटाफट से इंडिया में लाओ, हम लोग ईगर हैं इस फोन को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस फोन को यूज करने के लिए, और मेरे हिसाब से तो कलेक्टर वलेक्टर में ज्ञापन भी दिया था अपन जाके कि हाँ भाई इस फोन को मोटोरोला से लॉन्च करवाया जाए इंडिया के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई ये काफी तगड़ा फोन है और इंडिया में बहुत जल्दी आना चाहिए। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि ये जो जानकारी मैंने आपको बताई है कैसी लगी है आपको, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना, फोन का प्राइस पॉइंट क्या एक्सपेक्ट करते हो, वैसे तो पिछले वीडियो में बता चुके हो, जिन लोगों ने उस वीडियो में नहीं बताया है वो इस वीडियो में बता देना कि किस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को आप एक्सपेक्ट करते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।